हाँ साहब बढ़िया बढ़िया भजनों का आप श्रवण कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ ग्वाल टोली में राम रस की गंगा बह रही है। पंच प्रदेश का आदेश के पालन करते हुए रामचंद्र मानस के अंतर्गत आपके समक्ष अयोध्या कांड से दोहा नंबर 296 के नीचे भारत मिलाप संवाद आप सुनने जा रहे हैं। सभी जानकार हैं, ध्यान जाऊंगा। प्रभु श्री राम को वनवास हो जाता है, कुछ दिनों बाद महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो जाता है। इधर भरत जी को पता चलता है, इधर ननिहाल से भरत जी और शत्रुघ्न आते हैं, बड़ा शोक करते हैं और राजा दशरथ का अंतिम क्रियाकलाप करते हैं। इधर भरत जी अपनी माता कैकेयी को बहुत कोसते हैं, उसके बाद अपने गुरु विश्वामित्र और तीन रानियों से प्रार्थना करते हैं कि मैं मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम को लेने जाऊंगा। तो देखिए आज भरत जी सह परिवार सहित चित्रकूट को जाते हैं, क्या होता है। मिलने के लिए भरत आते, क्या होता है कि श्री राम से मिलने को आए भरत जी आए, गले लगा कर राम जी पूछ रहे। आज देखिए भरत जी प्रभु श्री राम से क्या कहते हैं। आहा
राम जी से भरत कहने लगे कहने लगे ये बता दो रे कैसे जी कैसे जी कहना है ए राम जी से भरत कहने लगे राम जी से भरत और क्या होता है चरणों की लिए आए वो तो इतना से भरे जी कहते हैं भाई मेरे रघुवर की प्यारी निशानी सर अपने उठा ली
उठा कर चले बोल से अवतरा